केरल की वायनाड सीट पर आज हुए मतदान में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रियंका पहली बार मैदान में उतरी हैं और जिस जगह चुनाव हुआ वो वायनाड हाल में आई प्राकृतिक आपदा से उबरा है, इसलिए वोट देने आए लोगों की आंखों में आंसू भी दिखे। इस उपचुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा के पहले दौर की 15 जिलों की 43 सीटों पर भी मतदान हुआ। जनता का इस सब पर क्या रुख रहा इन चुनाव में, वो आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। वायनाड ने इस साल प्रकृति के गुस्से का सामना किया है। बाढ़ ने 4 गांव को तबाह किया। त्रासदी ने लोगों को ऐसा झकझोरा कि जब यहां उपचुनाव हुआ तो लोग आंखों में आंसू लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। जुलाई में लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए लोगों के लिए इस उपचुनाव में अलग से मतदान केंद्र बनाया गया। जब यहां लोग पहुंचे तो बिछड़े हुए आस पड़ोसियों से मिले और भावुक हो उठे। केरल की वायनाड सीट 2009 में ही बनी है और तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस का ही कब्जा है। इस बार कांग्रेस से राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी मैदान में है, जिन्हें प्रचार के दौरान तो खूब प्यार मिला, लेकिन जब वो मतदान के दिन पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंची, तब भी महिलाएं उन पर प्यार लुटाती दिखी। ऐसे में कांग्रेस ये मान कर चल रही है कि वायनाड में प्रियंका को मिले प्यार का बदला चुकाने का मौका उन्हें जरूर मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार हैं और खासकर प्रियंका जी बाहरी मतों के अंदर से वो अपना चुनाव जीतेंगी और संसद में पहुंचकर एक बहुत मजबूत आवाज बनेंगी, न सिर्फ वायनाड के लिए, केरला के लिए, लेकिन लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बहुमत के साथ इस बार हम चुनाव जीतेंगे। वायनाड के लोगों के साथ जो हो रहा है, 5 साल पहले जब अमेठी से भगाया गया था राहुल गांधी, वहां पर भाग कर आए और 5 साल उन्होंने वायनाड की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं कि हाल ही में वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ, ट्रेजेडी हुआ, और उससे बहुत स्पष्ट रूप से बाहर आ गया था कि राहुल गांधी ने पिछले 5 साल एमपी होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए, वहां के जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। राहुल ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट पर 3.5 लाख वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में उनकी जीत का अंतर 4.3 लाख वोट से भी ज्यादा था। अब इस बार वायनाड लोकसभा सीट पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। क्या प्रियंका राहुल से बड़ी जीत हासिल करेंगी, ये सवाल सभी के मन में है। वहीं बात झारखंड की करें तो झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। 43 सीटों पर 64.86% कुल मतदान हुआ। इसमें बहरगोड़ा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और जमशेदपुर वेस्ट में सबसे कम मतदान रहा। झारखंड में हेमंत सोरेन पहले भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वे जेएमएम के चुनाव अभियान का सेंटर पॉइंट बने हैं। पहली बार हेमंत सोरेन ने चुनाव की कमान संभाली है। राज्य के गठन के बाद से ही शिवो सोरेन धुरी रहे हैं। पहली बार जेएमएम के चुनाव अभियान का वो सेंटर पॉइंट रहे। ये चुनाव हेमंत के लिए सर्वाइवल का सवाल है। झारखंड में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण 13 नवंबर को पूरा हो चुका है, वहीं दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। वायनाड में आए भीषण भूस्खलन में एक रात में ही सैकड़ों लोगों की अकाल मौत हो गई थी। उस वक्त राहत के दौरान तत्कालीन सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ इस इलाके में आए थे और तब की यादें जनता के साथ आज भी निश्चित ही ताजी होंगी। मगर देखना है कि प्रियंका की लोकसभा चुनाव की पहली लड़ाई में वायनाड की जनता ने उनको कितना साथ दिया।